नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीत कुमार हूं और मैं रक्त रोग विशेषज्ञ हूं। आज हम बात करेंगे लिम्फोमा, एक प्रकार की बीमारी जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर माना जाता है। ब्लड कैंसर नाम से बहुत भयानक लगता है, किंतु आज हम समझेंगे कि लिम्फोमा जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है वो क्या होता है, किस प्रकार की तकलीफें देता है, क्या उसका निदान संभव है, क्या उसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग अगले 3 से 4 मिनट में कुछ चर्चा करेंगे। थॉमस हॉजकिन जो हमारे एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार लिम्फोमा नाम के शब्द को घोषित किया, जिन्होंने सबसे पहले कहा, इस बीमारी को लिम्फोमा का नाम दिया करीबन 1832 के सदी में। उस समय पर उन्हें नहीं पता था कि यह एक बीमारी करीबन 200 साल के बाद ही क्योरेबल बीमारी बनने वाली है। उस समय पर जितने भी लोगों को इस प्रकार की लिम्फोमा होता था, डायग्नोज होता था, सभी व्यक्तियों को, ऑलमोस्ट सभी व्यक्तियों की जान चली जाती थी जो हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर है उसके हिसाब से। किंतु जैसे जैसे समय इवॉल्व हुआ, मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस किया, बीमारी को समझा, बीमारी के ट्रीटमेंट्स में इंप्रूवमेंट हुआ, उसे यह समझ में आया कि लिम्फोमा की बीमारी को क्योर भी किया जा सकता है। और बल्कि आज की तारीख में जो दवाइयां उपलब्ध है उससे ज्यादातर मरीजों को हमेशा के लिए क्योर किया जा सकता है। तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। लिम्फोमा क्या है? लिम्फोमा बेसिकली दो प्रकार की तकलीफें हो सकती हैं। एक होता है हॉजकिन लिम्फोमा, जो इनिशियली थॉमस हॉजकिन ने डायग्नोज किया था, डिस्कवर किया था, किंतु उसके बाद जब समझ में आने लगा कि बहुत से अलग अलग प्रकार के इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट हो सकते हैं, तब उन्हें हॉजकिन लिम्फोमा के अलावा बाकी के जितने भी हुए उन सबको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के रूप में कैटेगराइज किया गया, जिसके अंदर फिर से उन्हें बी एवं टी टाइप से कैटेगराइज किया गया। हॉजकिन एवं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा विश्व के अंदर, बड़ों के अंदर एवं बच्चों के अंदर, तीसरे या चौथे प्रकार का मोस्ट कॉमन कैंसर में से आता है। और इस प्रकार के कैंसर के अंदर डायग्नोसिस जल्दी होना, निदान जल्दी होना, इसका मतलब होता है कि क्योर रेट जल्दी होना और ज्यादा होना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार की बीमारी के अंदर सबसे पहले तो सिम्टम क्या दिखते हैं, किसी मरीज को कैसे पता चलेगा कि लिम्फोमा के उसको लक्षण दिख रहे हैं। शरीर के अंदर गिल्टियां आना, छाती के अंदर खांसी ज्यादा होना या फिर छाती के अंदर दबाव का महसूस होना, पेट दर्द महसूस होना, क्योंकि वो गिल्टियां जो हैं वो पेट के अंदर किसी ऑर्गन्स को दबा सकती हैं, जो लिवर का ड्रेनेज सिस्टम होता है वहां पर दबाती हैं, तो किसी व्यक्ति को पीलिया हो सकता है। जब यह ट्यूमर काफी बड़ी मात्रा में शरीर में होता है तो वो किडनीज को चोक कर सकता है, जिसे ट्यूमर लाइसिस कहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर जहां पर भी ये गिल्टियां होंगी उस जगह के सिम्टम्स इसमें प्रोड्यूस होंगे। साधारणतः जो शरीर के बाहर ही गिल्टियां दिख सकती हैं वो कॉमनली जो दिखती हैं गले के अंदर, आर्मपिट्स के बगल में, पेट के अंदर या अंतरांगों के नजदीक में, इन जगह पर यह लिम्फ नोड्स जिसे बोलते हैं जो गिल्टियां होती हैं वो साधारणतः मिल सकती हैं। इसके अलावा यदि यह जो लिम्फ नोड्स वाली गांठें हैं वह ब्रेन के अंदर एंटर कर जाए तो ब्रेन के अंदर भी उसके रिलेवेंट सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसके अंदर कंफ्यूजन होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, इसके अलावा कमजोरी ज्यादा होना, इस सभी प्रकार के सिम्टम्स इस प्रकार की बीमारी के अंदर दिखने शुरू हो सकते हैं। कैसे कंफर्म किया जाए? सिंपल टेस्ट है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सीबीसी, एलएफटी, केएफटी मतलब लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, एलडीएच डिहाइड्रोजिनेज का टेस्ट होता है, कुछ और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिससे यह पता चलता है कि लिम्फोमा होने की संभावना कितनी है। उसको कंफर्म करने के लिए एक लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है। यदि यहां पर किसी को पैल्पेबल लिम्फ नोड है, किसी को यहां पर दिख रहा है कि यहां पर कोई गांठ है, गिल्टी है, वहां से एक बायोप्सी करके 2 से 3 दिन के अंदर इस रिपोर्ट को लेकर के रिपोर्ट को कंफर्म किया जा सकता है कि लिम्फोमा है या नहीं है। और यदि है तो जो 60 प्रकार के लिम्फोमा होते हैं, 60 या उससे भी अधिक प्रकार के लिम्फोमा होते हैं, उसमें से कौन से प्रकार का लिम्फोमा किसी एक व्यक्ति को है वो पता लगाया जा सकता है। डायग्नोसिस होने के बाद स्टेजिंग होती है। स्टेजिंग से ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें यह पता होना चाहिए कि रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर से मतलब है कि किन व्यक्तियों को लिम्फोमा होने की संभावना ज्यादा होती है और किन्हें थोड़ी कम होती है। ज्यादा जैसे कहा जाता है कि 80% लोगों में हमें नहीं पता होता है कि किसे लिम्फोमा होगा, किंतु जो बाकी 20% लोग होते हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार के रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इस प्रकार के लिम्फोमा की बीमारियों में? कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म इम्यून सप्रेसेंट मेडिकेशन चल रही होती है, जैसे किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इस प्रकार के मरीजों को लॉन्ग टर्म इम्यून सप्रेसेंट मेडिकेशन चल रही होती है, इनके अंदर जो है लिम्फोमा होने की संभावना ज्यादा होती है।
जो कुछ लोग HIV AIDS से पीड़ित होते हैं उनके अंदर लिम्फोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। किसी बच्चों को जैसे EBV का एप्स्टीन बार वायरस एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, उनके अंदर यदि इस प्रकार के इन्फेक्शन का संक्रमण होता है उनके अंदर हॉजकिंस लिम्फोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। इस प्रकार से साधारणतः किसी को किसी वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है पहले तो उसकी वजह से लिम्फोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। ये कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि करीबन 20-25% लोगों में मिलते हैं जिन्हें लिम्फोमा की बीमारी होती है। बाकी 75-80% लोगों के अंदर लिम्फोमा होने के बावजूद उनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? एक बार डायग्नोसिस हो गया सबसे पहले समझने की जरूरत है। डायग्नोसिस होने के बाद इमीडिएट ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट से आउटकम्स इंप्रूव होते हैं, अच्छे होते हैं और नतीजे अच्छे से बेहतरीन किए जा सकते हैं। 70-80% लोगों को इस प्रकार के लिम्फोमा से, किसी भी प्रकार का लिम्फोमा क्यों ना हो, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर करीबन 85-90% और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर करीबन 65-70% लोगों को जीवन भर के लिए क्योर किया जा सकता है इस प्रकार की बीमारी से, जो कि एक समय कुछ दशकों पहले तक मानी जाती थी कि हमेशा के लिए हर व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित होती थी। आज की तारीख में इतने अधिक लोगों को इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात दिला पाना संभव है आज की जो मेडिकल एडवांसमेंट है उसकी वजह से। ट्रीटमेंट की जहां तक बात करते हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए कुछ स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी रेजिमेंस हैं जो कि फॉलो करके इस प्रकार के नतीजे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ABVD कीमोथेरेपी होती है जो कि हर प्रकार के, मतलब हॉजकिंस लिम्फोमा में अलग अलग जिनके टाइप्स होते हैं उसके अंदर अधिकतम प्रकार के हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर ABVD कीमोथेरेपी या उसके अंदर कुछ लोगों के अंदर रिटुक्सिमैब के इंजेक्शन ऐड करके इसे हमेशा के लिए क्योर किया जा सकता है 85% लोगों के अंदर। आप समझिए 100 में से 85 लोगों को हमेशा के लिए क्योर किया जा सकता है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए जो ट्रीटमेंट रेजिमेंस होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। किसी ज्यादातर लोगों को जो बी प्रकार के नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं उनके अंदर रिटुक्सिमैब के इंजेक्शन ऐड किए जाते हैं, उसके साथ में चॉप कीमोथेरेपी, ढैप कीमोथेरेपी, आइस कीमोथेरेपी, GDP कीमोथेरेपी, अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी रेजिमेंस है। कुछ लोगों को आरडा इपोक की कीमोथेरेपी दी जाती है। तो अलग अलग प्रकार के दवाइयां, अलग अलग प्रकार के रेजिमेंस विश्व भर में यूज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी टीम कौन से प्रकार की कीमोथेरेपी रेजिमेंस को यूज करने के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि उसी से उनके एक्सपीरियंस बेस्ट रहे हैं, आउटकम्स बेस्ट रहे हैं। अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी देकर के इस प्रकार के नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के बी एवं टी प्रकार के लिम्फोमा में करीबन 50-85% लोगों को हमेशा के लिए क्योर किया जा सकता है। क्या सभी व्यक्तियों को, सभी लिम्फोमा के मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की जरूरत होती है? यह गलत धारणा है, गलत मान्यता है, मिथ्य एक जो कहने की चीज है। हर व्यक्ति को, लिम्फोमा के मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की जरूरत नहीं होती है। केवल 30-40% लोगों को, जिन व्यक्तियों की बीमारी या तो वापस आए या कुछ लोगों का जिनका अग्रेसिव लिम्फोमा होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली आते हैं टी सेल लिम्फोमा, उनके अंदर कीमोथेरेपी देने के बाद इमीडिएटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। किंतु यह बोलना कि सारे के सारे मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी जो लिम्फोमा से डायग्नोज होते हैं, ऐसा बोलना गलत है। वैज्ञानिकों की शोध की वजह से जो मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उसके बाद आज की तारीख में हमारे पास एक कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से हटकर हम लोग धीरे धीरे टारगेटेड कीमोथेरेपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टारगेटेड कीमोथेरेपी का मतलब है जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से हम लोग समझते हैं कि बाल झड़ेंगे, अलग अलग प्रकार की वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होंगे, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, इस प्रकार के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हम लोग समझते थे कि लॉन्ग टर्म में दूसरे कैंसर हो सकते हैं, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो यह सब के सब जो साइड इफेक्ट्स हम लोग कॉमन कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से एक्सपेक्ट करते थे, धीरे धीरे हम लोग उसको, उससे परे हटकर, उससे दूर जाकर अब टारगेटेड कीमोथेरेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसका मतलब यह हो गया कि जिस प्रकार का कैंसर है सिर्फ उस प्रकार की कीमोथेरेपी यूज की जाए जो उसी कैंसर के सेल को जाके मारे और उसके अलावा बाकी प्रकार की सेल्स को, एक शरीर के कणों को नुकसान ना पहुंचाए। रिटुक्सिमैब इसी प्रकार का एक कीमोथेरेपी का एग्जांपल है। इसके नए नए वेरिएंट्स हैं, ओबिनटुजुमैब आया है, ओफेटुमुमैब आया है, इस प्रकार की और रिफाइनमेंट्स चल रही हैं। आज की तारीख में ब्रेंटुक्सिमैब एक दवाई है जो अपफ्रंट कीमोथेरेपी के तौर पर हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए FDA अप्रूव्ड है। वह एक anti-CD30 मॉलिक्यूल है जो हॉजकिंस लिम्फोमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली एंड न्यू डेवलपमेंट है और आज की तारीख में NCCN ने उसे प्रमाणित किया है अपफ्रंट यूज के लिए। उससे आउटकम्स के अंदर एवं साइड इफेक्ट्स के अंदर एवं लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी के अंदर हर फ्रंट पर इंप्रूवमेंट आया है। तो आज की तारीख में हम लोग लॉन्ग अपफ्रंट ब्रेंटुक्सिमैब को यूज करने की कोशिश करते हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के मरीजों के लिए। पोलेटुजुमैब एक प्रकार की दवाई है जो कि जिन व्यक्तियों के DLBCL या इस प्रकार के लिम्फोमास वापस आते हैं उनके लिए पोलेटुजुमैब से बहुत अच्छा आउटकम्स आते हैं।
एक चेक पॉइंट इनहिबिटर्स नाम की दवाइयां हैं आज की तारीख में, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कुछ समय तक यूज कर रहे थे, किंतु आज की तारीख में वह किसी प्रकार के एवं हॉजकिंस एवं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, जिसके अंदर निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिज़ुमैब, इस प्रकार की दवाइयां आती हैं, वो बहुत ही अच्छे टारगेटेड कीमोथेरेपी के रूप में सामने आ रही है और इससे साइड इफेक्ट कम हो रहे हैं और नतीजे इंप्रूव हो रहे हैं। तो यह सब जब हम समझते हैं, बात करते हैं, तो जब हम समझते हैं करीबन 200 साल पहले जो ऑलमोस्ट 100% डेथ रेट था, आज की तारीख में हम लोग ऑलमोस्ट 75-85% क्योर रेट पे खड़े हैं, और जो हम लोग देखते हैं कि जो ये टारगेटेड कीमोथेरेपी जैसे जैसे और इवॉल्व होंगी, हो सकता है हम लोग धीरे धीरे करके 95-100% जो क्योर रेट्स हैं उसको अचीव कर पाए। सो यह चीजों के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ, मैं आप सबको एक लिम्फोमा अवेयरनेस के बारे में जागरूक करते हुए यही आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि आप जब भी लिम्फोमा के बारे में नाम सुने किसी भी व्यक्ति के मुंह से, उसे निराश ना होने दें, उसे एक रे ऑफ होप दें, उसे जरूर एक पॉजिटिव मैसेज दें कि लिम्फोमा आज की तारीख में क्योरेबल है और आगे के जमाने में यदि वो बीमारी वापस भी आती है तो भी उसे 100% लोगों के अंदर क्योर किया जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस मैसेज के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने इस मैसेज को सुना, और आपकी कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं लिम्फोमा के बारे में हमसे जरूर। नेवर मिस अ मेडिकल अपडेट फ्रॉम मेडिकल डायलॉग्स, लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।